जे होंदा ना वहाबीज़म नूं कोई चांस ते इमाम मालिक आज उठे जाओ ते उठे लगे ने मतलब यल्ला है तो क्या रसूलुल्लाह की तरफ चेहरा और किबले की तरफ पुश्त नहीं हो सकती है? खुदा ने अपनी से बचा के रखे। तो खैर ये इमाम मालिक अलैहिर्रहमा का फतवा सुन। मेरे इमाम मालिक ने फरमाया, अब वो चाहते तो कह दे भी अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, किबले की तरफ मुंह करो, छोड़ो नबी को, नबी को छोड़ो, अल्लाह की तरफ मुंह करो। हाय हाय। लेकिन अब जो उन्होंने दलील दी वो क्या है? आपने फरमाया वली मर्दा सिर्फ अदब का तकाजा
तकाजा या रसूल अल्लाह कहो, मोहब्बत का तकाजा अदब करो, हद्दे औसत गिराओ तो नहीं जाएगा, मोहब्बत का तकाजा है कि या रसूल अल्लाह मना करो। आए दलीला ने तुम समझ लेना है ना, दलील भी क्या गई अगर दलील पर आ चढ़ा भाई, मैं दलील फिर कुरान क्या है तो बड़ी अदब का तकाजा करो तो दलील आएगी मोहब्बत कामिल, मोहब्बत कामिल नहीं हो सकती जब तक या रसूल अल्लाह नाम करो। पता चला यहां से या रसूल अल्लाह अदब वाले पुकारते हैं, मोहब्बत वाले पुकारते हैं, झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। जिसको देखो या रसूल अल्लाह की सदाए दिल नवाज अपनी समा को मुअत्तर कर रहा है, समझ जाना एक अलामत ते पाई गई है। यही तो मोहब्बत थी हजरत इमाम मालिक, नबी तो नबी, नबी से निस्बत जिसकी हो जाए उसका भी अदब, नबी से जिसकी हजरत ओए अगर ऐसी करने ना जा के तक को शिर शिर चले लंबी हो जाएगी बात, मुख्तसर कर रहा हूं। ये जो हम निस्बतों का अदब करते ना, ऐ भी असा नहीं शुरू किया, ऐ जे इल्जाम लाने ते नबी दे सहाबा नूं लाओ, उनको इल्जाम दो कि उन्होंने ये हमें सिखाया। कैसे? हजरत इमाम मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु, सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए, फाजियन यदहु अला मक़अदि नबी मिन अल मिंबर सुम्मा वला अपने